नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भिंड के ग्राम ओझा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। 11 केवी के बिजली के तार नीचे होने के कारण गरीब महिला की एक भैंस की करंट लगकर हुई मौत। खबर मध्य प्रदेश के भिंड के ग्राम ओझा में एक गरीब किसान की भैंस बिजली विभाग की लापरवाही से भैंस की हुई मौत। ग्रामीणों का कहना है कि मैं कई बार बिजली विभाग को अवगत करा चुका हूं, तार नीचे है, कभी भी कोई घटना हो सकती है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। आज ये घटना हो गई है, भैंस की मृत्यु हो गई है। जिस किसान के घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, तीन तीन बेटियां शादी होना है, 1.5 लाख रुपए की भैंस बताई जा रही है। रो रो कर पीड़ित का बुरा हाल है, सरकार से मदद की लगा रहा है गुहार। भिंड जिला संवाददाता दिलीप सिंह सेगर की रिपोर्ट। ग्राम ओझा में एक बिजली विभाग की एक प्रशासन की एक सबसे बड़ी लापरवाही जो आ रही है कि यहाँ पे एक 11 केवी वाली जो लाइन है, अगर अंगुलियां लगाओगे तो अभी भी अगर एक बच्चा कोई अगर 7 फुट का है तो वो तुरंत टच हो जाएगा, कभी भी हादसा हो सकता है। बट यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि हमने अवगत लोगों को बहुत कराया, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक सुनवाई नहीं की है, ना तो बिजली विभाग ना तो कोई फिटर से अभी तक कोई आया है। और बट दूसरी बात, यहाँ पे जो घटना अभी जो घटी है, एक भैंस की इस स्थिति में घट चुकी है कि यहाँ पे दो दो हैं, एक भैंस की भी हुई है, भैंस के पेट में बच्चा भी था, दो की मृत्यु हो चुकी है। कम से कम 1.5 लाख रुपए का इनको चपेट लग चुका है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा, या बिजली विभाग होगा या इसके ग्रामीण होंगे। लेकिन ग्रामीणों का पूरा कहना है कि बिजली विभागों से मैंने कई बार भी करा चुका है, यहाँ पे लाइनमैन भी आ सकते हैं, लाइनमैनों से भी कहा, लेकिन किसी लाइनमैन ने अभी तक सुनवाई नहीं की। आगे की अगर पुलिस कोई भी अगर वरिष्ठ अधिकारी बिजली विभाग का अगर कोई सुनवाई करता है तो आगे की कोई भी ऐसा आस्था नहीं होगा। अगर अभी तक सुनवाई नहीं की तो कोई भी कभी भी आस्था हो सकता है, कोई भी बच्चा चपेट में भी आ सकता है, कोई बड़ा भी जेंट्स भी आ सकता है, क्योंकि वो नज़दीक है और ग्रामीण रास्ता जा रही है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण लोगों का ट्रैक्टर वगैरह निकलते रहते हैं खेतों से, अगर कुछ माल भी लाना है तो कभी भी टच हो सकते हैं। इंडियन एज 28 दिलीप सिंह सेंगर की रिपोर्ट, भिंड से। क्या नाम है आपका? हमारा जी। कौन सा गांव पड़ता है? ओझा में। ये आज जो मीडिया को आपने बुलाया, क्या समस्या आ रही है? करंट से भैंस मर गई। क्या करंट का तार ढीला पड़ा था? क्या ढीला पड़ा था? भैंस चल रही थी, ढीला था। तो हालांकि में जो भैंस को, अगर ये जो कितने दिन से ये तार ढीला पड़ा है? पता नहीं, 6-7 साल से ऐसा ही था, लेकिन किसी भी अधिकारियों ने नहीं सुनाई की? कोई बिजली विभाग वाला अधिकारी नहीं आया यहाँ पे? कोई नहीं आया यहाँ। आप लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था क्या? हमने कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ पता। कितने लाख रुपए की भैंस थी आपकी? 1.5 लाख की भैंस आती। ये जी, भैंस के साथ में जो घटना हुई है, क्या वजह है पूरी? अरे ये लाइन यहाँ पे वो डांडे पे हटी तो भैंस चल रही थी जी, और जो है वहाँ से भैंस में करंट लग गया। और करंट लग गया जो लाइन, क्या लाइन की वजह से लगा? या लाइन की वजह से लाइन लगी है? लाइन ढीली है। हाँ ढीली है। जमीन में छू रही है? जमीन में नहीं छू रही, लेकिन पास ही में छू रही है। बिल्कुल पास में छू रही है। तो आप लोगों ने किसी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया बिजली विभाग में? अभी तक किसी से नहीं करवाया अभी तक। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से काट के गरीब आदमी है, जाकर कुछ मिल जाए। हाँ। और बिजली का तार ठीक हो या ना? हाँ, हो बिल्कुल हो। बिजली के तार के विषय में क्या कहेंगे आप? बिजली के विषय में जाए तत्काल जो है जाए करार खुलवाई जाए, और जो है जाए तार कर दे भाई चाहिए। 11 के बी वाली लाइट है? हाँ 11 वाली। लाइन नहीं, नहीं जो लाइन लगी है अभी तक आप प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया इससे यहाँ पे? नहीं आया। आपने कभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया क्या? कुछ नहीं कराया। आपने कराया तो फिर ये लाइन का क्या है? आप जो लाइन की जो प्रोसेस आ रही है, ये आप लोगों ने आवेदन दिए कलेक्टर साहब को? कुछ नहीं दिया आवेदन। तो आज देने जा रहे हैं क्या? जब जाएंगे सब लोग तो चले जाएंगे साथ में, क्या है?